शाहजहांपुर जनपद के थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्र में एक गरीब मंसूरी को परेशान किए जाने के विरोध में मंसूरी समाज के तमाम लोग मैदान में आ गए। नगर के दर्जनों लोगों ने नारेबाजी कर गरीब का साथ देने की बात कही, वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि मीरानपुर कटरा पावर हाउस के सामने विधवा आयशा बेगम का घर है। इस घर की जमीन उनके स्वर्गवासी पति समीर मंसूरी ने वर्षों पहले खरीदी थी। आयशा बेगम के पति समीर मंसूरी का स्वर्गवास होने के बाद उनके बड़े बेटे सलीम मंसूरी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने घर के आगे एक लकड़ी का खोकर रखकर चाय पान पुड़िया आदि बेचने लगे। कुछ समय से उनके घर के बराबर में कलीमुशान खां पेट्रोल पंप का निर्माण करा रहे हैं। कलीमुशान खां इस गरीब के खोके को हटवाना चाहते हैं। विधवा आयशा बेगम व सलीम मंसूरी ने बताया कि उनका खोका हटाने के लिए कलीमुशान खां तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार खोके में आग लगाने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे चुके हैं। इस संबंध में इन गरीबों ने पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस भी पेट्रोल पंप स्वामी कलीमुशान खां का ही पक्ष करने लगी, साथ ही इन गरीबों पर खोका हटाने का दबाव बनाने लगी। इन गरीबों को इंसाफ न मिलता देख मंसूरी समाज एकजुट होने लगा और गरीब सलीम मंसूरी व विधवा आयशा बेगम के साथ आ खड़ा हुआ। यही नहीं, इन गरीबों की मदद के लिए दूसरी बिरादरी के लोग भी सामने आ गए। सभी लोग एकजुट होकर गरीब को इंसाफ दिलाने की बात करने लगे। वहीं कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस गरीब की मदद करने की गुहार लगाई। दिन के लगभग 11 बजे नगर के दर्जनों लोग पावर हाउस कटरा के सामने एकजुट हुए और विधवा आयशा बेगम व सलीम मंसूरी के हक में न्याय के लिए आवाज बुलंद करने लगे। सभी ने इन गरीबों को न्याय दिलाकर ही सांस लेने की बात कही। इस दौरान सभी लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने गरीब की रोजी मत छीनो, अन्याय मत करो, न्याय करो, गरीब को रोजगार दो, गरीब के पेट पर लात मत मारो जैसे नारे भी लगाए। इस मौके पर मंसूरी समाज के मुखिया हाफिजुल्ला उर्फ गुल्ला मंसूरी सबसे आगे आए और विधवा आयशा बेगम व सलीम मंसूरी को न्याय दिलाकर ही दम लेने का वादा किया। इस मौके पर अशरफ मंसूरी, अलाउद्दीन मंसूरी, साबुद्दीन मंसूरी, डॉक्टर इस्लामुद्दीन गुड्डू मंसूरी, बरकतुल्ला मंसूरी, शरीफ मंसूरी, फिदा हुसैन मंसूरी, हाफिजुल्ला उर्फ गुल्ला मंसूरी, जाफर मंसूरी, रहमत मंसूरी, गुड्डू मंसूरी, जाकिर मंसूरी, मोहब्बत मंसूरी, बच्चन मंसूरी, अली मोहम्मद मंसूरी, बब्बर शेर मंसूरी, लियाकत मंसूरी, इब्राहिम मंसूरी, कासिम मंसूरी, जहूर मंसूरी, सगीर मंसूरी, यासीन मंसूरी, कल्लू मंसूरी, मीर हसन मंसूरी, मुनीर मंसूरी, नन्हे मंसूरी, बड़े लल्ला मंसूरी, अल्लाहद्दीन मंसूरी, इरशाद मंसूरी, बैकरी वाले कौसर मंसूरी, शाकिर मंसूरी, जाकिर मंसूरी, बुद्धू मंसूरी, मुंशी मंसूरी, मोहम्मद यामीन अंसारी, जहीर सिद्दीकी, फुरकान सिद्दीकी, पप्पू सिद्दीकी, अकील मंसूरी, लतीफ मंसूरी, तस्लीम मंसूरी, आरिफ मंसूरी, शकील मंसूरी, हामिद मंसूरी, सगीर मंसूरी, अनीस मंसूरी, तबस्सुम बेगम, ईश्वरी बेगम, अफसाना बेगम, आयशा बेगम, अब्दुल गफ्फार आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हफीजुल्ला। यहाँ क्या मामला है? यहाँ जो बच्चे मतलब गरीब आदमी है, ये काम धाम अपना कर रहे हैं कब से, अब जो इन्हें सताया जा रहा है, गलत हो रहा है। इन्हें क्यों सताया जा रहा है? यही सताया जा रहा है, ये मतलब जो है कहीं होटल हटाओ, कहीं ये हटाओ, कहीं वो हटाओ, रोजी कमा रहे हैं अपनी। कौन सता रहा है? ये पेट्रोल पंप वाले कलीमुशान। क्यों सता रहे हैं ये? मतलब मामला पेट्रोल पंप है। हाँ, तो ये रास्ता मांग रहे हैं इधर से दूसरे के। तो आपकी नज़र में ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कहते ही दूसरे के मतलब कैसे रास्ता दे देगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सलीम। क्या मामला है यहाँ? ये यहाँ मामला है, ये सलीम भाई जो है बहुत दिन से इन्होंने जगह ले रखी, 15 साल पहले से ये अपना थोड़ा सा खोखा चला के अपनी दाल रोटी बसर कर रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले जो है इनके आगे का रोड बनाना चाह रहे हैं, अपनी हद में, अपनी हद छोड़ के इनकी हद में आना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर ही गलत है ये सर। ये गलत बात है, किसी के जगह पे कब्जा करना। ये सलीम भाई बहुत गरीब आदमी है, ये 15 साल से रह रहे, अपना ये छोटा सा खोखा रख के अपने घर का व्यापार कर रहे हैं, घर की दाल रोटी चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से मेरा निवेदन है कि सलीम भाई बहुत ही गरीब परिवार के हैं और ये 15 साल इस जंगल में बसे आके, 15 साल से कोई पूछने नहीं आया, अब 2-4 साल से पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल पंप बना रहे हैं, इनकी सरहद में घुस के रोड डालना चाह रहे हैं, ये नाजायज है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इंसाफ किया जाए। क्या नाम है आपका? जाकिर अली। क्या मामला है यहाँ? मामला बहुत गलत है, वो जबरदस्ती लिया जा रही है, गरीब परिवार को परेशान करा जा रहा है और गरीब परिवार को परेशान करेंगे हम सब लोग, इनके साथ में है। किसे परेशान करा जा रहा है? सलीम भाई को। कौन कर रहा है? ये कलीमुशान। क्यों कर रहे हैं ये? अपना पेट्रोल पंप निकालना चाह रहे हैं इसे किसी दरवाजे के आगे, रास्ता निकाल। ये गलत है, इन लोगों के साथ में हम सब लोग हैं। समस्या क्या है? समस्या यही है कि ये खान साहब बहुत परेशान करते हैं और बार बार पुलिस आती है, अब पुलिस आती है हमें धमकाती सटकाती है, कहती जगह तुम्हारी नहीं है, हमारी है, जो सरकारी है उसमें हम बरतेंगे। खान साहब कौन है ये? कलीमुशान।
अब पुलिस आती बार बार, हमारी कोई सुनता नहीं। अब गरीब आदमी है, एक लड़का हमारा जो बड़ा वाला वही सबको चलाता है कारोबार हमारा, जो जो कुछ होटल जरा से रख लिया इसी में खाना खर्चा अपना चलाते हैं, जो चलाने ही नहीं देते हैं। इतनी पुलिस आती है बार बार धमकाती है, कहते लेटेस्ट पुलिस ला के सब जुर्मों पकड़वा के सबको तुम्हें जेल भिजा देंगे, तो क्या कोई गरीब आदमी की कोई सुनेगी नहीं क्या बात? हमने पैसा डाल के खरीदी है और अपने आप अंतर में लेना चाहते हैं। क्यों हटवाना चाहते हैं ये? हटवाना चाहते अपने आप ईंट बिछाएंगे यहाँ और अपना गाड़ी निकलवाएंगे, अपना पेट्रोल पंप चलाएंगे। हमसे कह रहे तुम भाग जाओ कहीं जाओ, मशीन बार बार ला रहा तोड़वा दें तोड़वा दें, झोंक दें तुम्हें इसमें तो तुम पीछा छोड़ो तो जगह छोड़ो। ये बात कहते बताओ, हम कब तक रोते चिल्लाते घर में बैठ रहे थे? आग लगा देंगे, कहीं कुछ करेंगे, तुम्हें भगा देंगे, जे करेंगे वो करेंगे। अब हमारे बच्चों कहते तुझे मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, जे कर देंगे वो कर देंगे, पैसा हम भर देंगे। हमारे पास पैसा है नहीं इतना, हम कहाँ से भरेंगे? तुमने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की थी? हमने कार्रवाई की, मेरी कोई सुनते ही नहीं है। पुलिस वाले आते वो भी हमी को कहते कि हटा लो हटा लो। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। कहाँ रहते हो? कटरा पावर रोड के सामने। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी ये रोजी रोटी चल रही है, मेरी दुकान रखी होका रखा हुआ है, और ये कलीम शान कहाँ हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? ये कह रहे इधर से रोड निकालेंगे। क्यों रोड क्यों निकालेंगे? रोड निकालेंगे, ये कह रहे की मतलब हमारे नक्शे में है, ये है वो है, और कह रहे इसको हटाओ, हमारी रोजी रोटी इसी से ही चल रही है। और सबके पास हमने कार्रवाई भी की, लेकिन जब पैसा दे रहे हैं कोई हमारी सुन नहीं रहा है। दरवाजे के सामने है, उनकी जगह में हो तो मतलब हटवा दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो अपने मकान के कुछ सामने है। अब ये लोग जो हमें परेशान कर रहे हैं, कहीं पुलिस को भेज रहे हैं, कहीं कोई किसी को भेज रहे हैं।